ए बनी, मैं भी डीजे वाला बन सकता हूँ ना? ना ना ना, तू कभी भी डीजे आलोक नहीं बन सकता। बात तो तेरे सही है बच्चे, वैसे भी उस आलोक का बंडल 1200 डायमंड का हो चुका है। ए स्पाइन, क्या सोच रहा है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उस डीजे आलोक में ऐसा है क्या, ना ही उसकी बंडल चमक है ना ही कुछ। मेरे चमक होने के बाद भी लोग मुझे नहीं पहनते, अब मैं क्या करूँ? पर मुझे पता है कि ब्लड मून इस सब चीजों को बदल देगा और हम जैसे बंडलों की भी इज्जत की जाएगी और हमें भी ग्लोबल वाले पहनेंगे और रैंक पुश करेंगे। पर मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर हमारा हाल भी मनी हाइट जैसा हुआ तो मैं आई कमेंट। ए बनी चुप। ए कौन है तू? तू अंदर कैसे आ गया? इतने जल्दी भूल गए मुझे? मेरा नाम हनी हाइस है, हनी हाइस। अरे मनी हाइस तू? अब मेरा नाम मनी हाइस नहीं है, मेरा नाम है हनी हाइस, हनी हाइस। पर तू जिंदा कैसे है? देखो तो क्रिमिनल ने मार दिया था ना। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। हमें नहीं सुननी। हमें भी सुननी, वैसे सुनके भी का करनी, का करूंगा इसमें भी। अरे बच्चे सुनने के बाद बोल, तुम सब लोगों को मेरी कहानी तो सुननी ही होगी। तो गाइस आज आपके लिए मैं एक अमेजिंग एप्लीकेशन लेके आया हूँ जिसके जरिए आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो, जिसका नाम है फोर आप बैट एप्लीकेशन। दो दिन पहले मैं इस एप्लीकेशन में गेम खेल रहा था जिसमें मुझे मिला ब्लैक जैक नाम का एक अमेजिंग गेम और वहां पे मैंने खेल के दोस्तों पहली बार में ही 4000 रुपए कमा लिए। फिर मैंने उसे दूसरी बार खेला और दूसरी बार खेल के भी दोस्तों मैंने उसमें से 2500 रुपए कमा लिए। तो गाइस देखा आपने 20 सेकंड के अंदर ही हमने कितनी आसानी से अर्निंग्स कर ली। तो गाइस अगर आपको भी फोर आप बैट से अर्न करना है तो यार डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे और कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगी पिन कमेंट में, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आप यूज करते हो मेरी लिंक तो गाइस आपको मिलेगा 250 रुपीज का बोनस। जी हाँ गाइस, आपको अपने फर्स्ट साइन अप पे मिलेगा 250 रुपीज का बोनस। तो दोस्तों इंतजार किस बात का, लिंक आपको दोनों पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। फोर आप बैट डाउनलोड कीजिए और आराम से घर बैठे बैठे पैसे अर्न कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर से बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये कहानी है जबकि जब उन क्रिमिनलों ने मुझे पकड़ लिया था। उन पागल क्रिमिनलों को लगा कि मैं ट्रेन से मर चुका हूँ, पर मैं मरा नहीं था। उस ट्रेन के साथ मैं घिसटता हुआ आगे चला आया। वैसे तो मुझे कुछ नहीं हुआ था, पर उन क्रिमिनल के जूतों की बांस के वजह से मुझे चलना नहीं हो रहा था। इतनी गंदी बांस मैंने कभी नहीं सूंघी। कैसे ना कैसे करके मैं लाख का सदा पापा बोल के आगे चल रहा था, पर मैंने देखा, अरे देखो सस्ता क्रिमिनल जा रहा है, ग्रीनर ने कौन सा नशा करके इसे बनाया समझ में ही नहीं आया। बड़े लोग कह रहे थे रेड क्रिमिनल की टक्कर का है, बोले ये तो रेड क्रिमिनल का जूता बराबर भी नहीं है। और तू मेरे हाथ के बराबर भी नहीं है। ओह ओह साले सस्ते क्रिमिनल तेरी। कुछ भी बोलना पर सस्ता क्रिमिनल मत बोलना। उन्हें मारने के बाद मेरे मन में ख्याल आया, कितना भी बोल लूं मैं एक सस्ता क्रिमिनल हूँ। उसी पल मैंने सोच लिया कि मुझे अपने आप को बदलना ही होगा। नहीं नीली तलवार, नहीं गोली, नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही तोड़ी, तू ही तोड़ी। शोलों को दहक ले दे, हीरे को चमक ले दे, हाथ बट्टे चक्कर ले दे, ओ चक्के ले दे, हाथ बट्टे चक्कर ले दे, ओ चक्के ले दे। कुछ देर बाद तेरे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है, ये गलती नहीं है तेरी, कसूर नजर का है, जिस बात का तुझको डर है। क्या 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 हो रहा है? हाँ बंदा आज पट्टे चक्कर लें दे, ओ चक्के लें दे, आज पट्टे चक्कर लें दे, ओ चक्के लें दे। ये थी मेरी कहानी अपनी जुबानी, अब उन क्रिमिनल को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आखिरकार मैं इस GTA की दुनिया में आ ही गया और अब मैं वो मकसद को पूरा करूंगा जिसके लिए मैं यहाँ भेजा गया हूँ। पर मेरे भाई लोग कहाँ है? अकेले अकेले आ गए पेंडोर।
बोले तो झक्कास एंट्री, क्या बोलते भाई लोग? क्या तुम्हें पता है कि हमें यहाँ आने के लिए कितने लाइट ईयर्स पार करके आना पड़ा? कितनी खतरनाक बात है ना ये 1500 लाइट ईयर्स। बस करो पैंडर, तुम अपने फैक्ट्स बताना थोड़े बंद भी करो। क्या अब हम मुद्दे की बात पे बात कर सकते हैं? हमने बहुत ज्यादा वक्त गवा दिया है। अब बताओ कोबरा बंडल के बारे में किस किस को क्या पता है? बोले तो कोबरा बंडल एक लाल है, पीला है, नीला है और सांप लड़कता है बिल्कुल झक्कास तरीके से। बिड़ू मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि उस पे 3 से 4 हजार डायमंड्स लगते हैं। इसके बारे में सिर्फ मुझे पता है, जो यूट्यूबर का वीडियो होता ही नहीं है क्या, उसे मैं पूरा देखता हूँ, स्किप नहीं करता हूँ। तो कोबरा बंडल जो है उसका जो पावर है वो खास एक लड़के के लिए बनाया गया है जिसका नाम है शीरो। वो लड़का तो आम है और मिला भी फ्री में है, पर उसके पास जो पावर है वो ही एक रियल कोबरा पावर है, और उस कोबरा पावर को भी सिर्फ वो ही लॉन्च कर सकता है। बोले तो वो ताकतवर है ना? अगर वो ताकतवर है तो समझदार भी होगा, और उसके पास एक से एक गाड़ियां भी है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो एक पिज्जा बॉय है, कितनी मजेदार बात है ना। आ गया पिज्जा बॉय, ये एड्रेस था। चीज पिज्जा निकाल लेता हूँ। सर आपका पिज्जा, इसके टोटल हुए $24, जल्दी आइए। अरे मेरे को घर से बाहर जाने को मना करती है, तो पला मैं नहीं आऊंगा। ठीक है सर, मैं ऊपर आता हूँ। एक दरवाजा, अरे बाप रे बाप रे, और सीढ़ियां भी। ये जगह तो बहुत तंगी है। सर मैं आपका पिज्जा ले आया, आपका आओ, मुझे और भी जगह पिज्जा डिलीवर करने जाना है। यहाँ पे कोई है या नहीं? सर सर सर, लगता है यहाँ पे कोई भी नहीं है। मास्टरी, मैंने इसे पकड़ लिया है, जल्दी आओ। हाँ करना है तो कर दो बैन, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, बस झूठे थंबनेल मत बनाओ, जब बैन होगा जब बोलना। क्या हो गया क्रोनो, चिल्ला क्यों रहे हो? कोई बात है जो मुझे बताना चाहते हो? मैं इन यूट्यूबर लोगों से परेशान हो चुका हूँ। क्यों क्रोनो, ऐसा क्या हो गया? वो ही जो यूट्यूबर हमेशा करते हैं, जब ग्लाइडर आया था उसे भी निकाल दिया, डबल विटर अच्छी थी उसका पावर कम कर दिया, हमारी 2 वाली की शॉटगन की उसका भी पावर कम कर दिया, और मेरे साथ तो सबसे बुरा बोल रहे हैं कि मुझे ही गेम से ही निकाल दे। कैसे निकाल दे यार, कैसे निकाल दे? अगर पावर कम करने की बात होती तो मैं सह भी लेता, पर मुझे डायरेक्ट बैन करने की धमकी दे रहे हैं, मेरे नाम पे थंबनेल्स बनाए जा रहे हैं कि कोनो बैन हो चुका है। अरे मैं कब बैन हुआ? टू साइड गेमर ने अपना नाम चेंज करके बैन कोनो लिख लिया, क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्रोनो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, प्लीज ऐसा किसी के बारे में भी मत सोचो यार। पहले पहले हर कैरेक्टर के साथ ऐसा होता है, लेकिन मुझे भी एक बार बैन करने की बात चली थी, लेकिन क्या मैं बैन हुआ? नहीं ना, तो इस बात को यार यहीं पे रहने दो। ऐसे कैसे रहने दो? वो जो लेजेंडरी 4 गन स्किन्स है जो अपडेट्स होती है उनकी पावर पता है क्या है? अगर किसी ने एक गोली मारा तो वो फट से डाउन हो जाएगा, पर मैं तो सिर्फ उनसे बचाता हूँ, तो मुझे क्यों बैन करने की धमकी दी जा रही है? गन स्किन बैन करो, अगर कुछ करना है तो गन स्किन बैन करो। आम प्लेयर्स कहाँ जाएंगे, कितना भी बड़ा प्रो प्लेयर हो, पर अगर उसके पास गन नहीं रहेंगी तो वो 2 सेकंड में डाउन हो जाएगा, जबकि आगे वाले को खेलना भी नहीं आता हो, पर मैं तो सिर्फ उनसे बचाता हूँ, तो मुझे क्यों बैन करने की धमकी दी जा रही है? बाप रे, नहीं क्रोनो, इतना गुस्सा ठीक नहीं। जे उठो, तुम 3 दिन से लगातार सो रहे हो, उठ भी जाओ। पता नहीं जे को क्या हुआ, जब से हम उस टाइटन से लड़ते आए हैं वो उठ ही नहीं रहा है, पता नहीं पेमिंग क्या हुआ है उसे। और हाँ एडम, इसको मुझसे दो सुनाया करो, ये रात भर खराटे लेता है, इसके वजह से मेरी भी नींद नहीं हुई है। इसके खराटे तो ऐसे होते हैं, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, मुझे एक खास चीज मिली है। कौन सी चीज मिली तुम्हें, मुझे भी बताओ। यार मैं तो आँख खुले करके सो रहा हूँ, मुझे आँखों में क्या दिख रहा है यार? देखो इसे दौरे पड़ना शुरू हो गए, अब मुझे इसका इलाज करना ही पड़ेगा। ये देखो मेरे पास स्टंट गन है, अभी इसका इलाज करता हूँ। इससे मैंने अच्छे अच्छे लोगों का इलाज कर दिया है, ये जैक इस खेत की मूली है, अब बताता हूँ उसके पावर का कमाल। अब देखो जय, तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा, सॉरी पसा आता मत होना। 1, 2,
ये चट। मैं कहा हूँ, मुझे क्यों बांध के रखा है? मैं तो सिर्फ अपना पिज्जा डिलीवर करने आया था। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? आइला पिज्जा बॉय, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। तू पिज्जा बॉय बनके पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, पर मेरे जैसे लेजेंडरी बंडल को नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। अबे देखा तुम लोगों ने कैसे साफ कर रहा, सब सब कर रहा है। आईश सही बोला, ये तो सांप के समान सा सा बोल रहा है। ब्लड मून, तुम उसे काम की बात करो। देख तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, पर तू एक कोबरा बंडल है जिसके पास कोबरा पावर का रास्ता है। तू उस कोबरा पावर को बाहर लेके आ सकता है। मैं तुझे छोटा बच्चा समझ के बोल रहा हूँ। अच्छे से वो कोबरा पावर मेरे हाथों में दे दे और खुद चले जा पिज्जा की जॉब करने के लिए, चाहे टिप भी ज्यादा दूंगा मैं तुझे। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या कोबरा? देख बहुत झूठ बोल लिया तू मुझसे जब से झूठ बोला जा रहा है। अगर तू कोबरा बंडल नहीं है तो तेरे कैरेक्टर पे कोबरा क्यों लिखा है, इसका जवाब दे मेरे को। देख बच्चे तू फ्री में मिला है, इसे तू मेरा दोस्त है। यही कुर्सी पे बिठा के मैंने एक बहुत बड़े रेयर बंडल को मारा था, ऐसा ना हो नेक्स्ट तू हो। अच्छे से बता दे बेटे, मैं तेको 1,00,000 डायमंड देगा। ब्लड मून, अब तुम्हें प्लान बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो तुम्हें नहीं करना था। मुझे इस प्लान से सख्त नफरत है, पर तेरे जैसे निकम्बे बंदे जब इधर आते हैं तो मुझे ऐसा काम करना ही पड़ेगा। बता तेरा फेसबुक पासवर्ड क्या है? मैं नहीं बताऊंगा, तुम आईडी स्कैम वाले लगते हो। अबे अड़े, मैं तेरी आईडी स्कैम करूंगा। अबे दो लेवल का आईडी होगा तेरा, जान दे यूआईडी बता। 3030। हाँ हाँ बोल, और क्या है? 32623। ये देख मिल गई इसकी आईडी। तुम मेरी आईडी के साथ क्या करने वाले हो? अबे बावले टॉप अप मार रहा हूँ, दिख रहा नहीं है क्या? कोटा शॉप से मारूंगा। ये डाला इसकी यूआईडी, ये पेटीएम का नंबर, और अबे बाप रे कॉन्ग्रेचुलेशन। ने ये क्या कर दिया? नहीं अब देखो ये सांप क्या करता है। नहीं ये सांप नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे मैं फिर से सांप बन जाऊंगा। तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं ही हूं एक्शन कोबरा, कोबरा पावर का रखवाला। इतने दिनों से मैं पिज्जा बॉय की जॉब इसलिए कर रहा था ताकि कुछ पैसे जमा करके अपनी आईडी में टॉप अप करवा सकूं, जो कि तुमने अब पूरा कर दिया है। जैसे ही तुमने टॉप अप मारा वैसे ही मुझे कोबरा पार्टी के सारे रिवॉर्ड्स मिल गए, और अब मेरे पास ये लेजेंडरी कोबरा बंडल भी है। तो चल वो पावर्स मुझे दे दे, तू उन्हें संभाल नहीं पाएगा। याद रखना गरीना फ्री फायर ने इस कोबरा बंडल की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मुझे दी है, इसलिए मेरे कैरेक्टर के नीचे कोबरा लिखा हुआ आता है। इतनी आसानी से ये पावर्स मैं तुम्हें लेने नहीं दूंगा, समझे या नहीं? नहीं नहीं समझा, मुझे तेरे जैसों से समझने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगा ही था कि तुम इतनी आसानी से नहीं समझोगे। इसमें समझने की क्या बात है, तुझे क्या लगता है तू महंगा है तो रेयर है? बिल्कुल गलत, तू ट्रेंड में है सिर्फ इसलिए रेयर है, बाकी तुझमें कुछ खासियत नहीं है। और जिस दिन ट्रेंड जाएगा उस दिन देर पे लगा हुए पूरे डायमंड वेस्ट हो जाएंगे, वेस्ट। हाँ मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा महंगा जरूर है, जानता हूँ इसके ऊपर काफी डायमंड स्पेंड करने पड़ते हैं, लेकिन एक ही साथ मुझे 4 बंडल की शक्तियां मिली हैं, एक ही साथ मुझे 4 इमोट मिले हैं, एक ही साथ मुझे कार और बाइक के स्किन मिले हैं, तो इतनी सारी चीजों के साथ मैं सबसे ज्यादा पावरफुल बंडल ही हुआ ना। बहुत हो गया, मार रहे इसको, तू तो गया बेटा। खत्म करो इसे। फाइट कर लेना, पहले थोड़ा सा डांस क्यों ना हो जाए। अबे पागल हो गया, नाच क्यों रहा है तू? अरे मैं क्यों नाच रहा हूँ? आइला ये कोई माया जाल है, बचो इससे। अपुन कैसे बचेगा, अपने तो हाथ ही नहीं रुक रहे। ये क्या गड़बड़ कर रहे हो? Kaçma buraya gel la kes bana. Adana çocuğu Ankara şehrinin derisi. Olay büyük
अबे ये क्या हो रहा है अपने साथ? ये सारा का सारा खेल कोबरा इमोट का है बच्चे। इस लेजेंडरी इमोट से मैं सिर्फ अपने आप को ही नहीं बल्कि तुम्हें भी कंट्रोल कर सकता हूँ, तुम्हें भी अपना ये इमोट करवा सकता हूँ, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। अब मैं चलता हूँ यहाँ से, लेकिन तुम लोग डांस करते रहो। शायद तुम्हें दर्द हो रात में क्योंकि पूरा दिन तो डांस करने में जाने वाला है, और आइंदा से कोबरा पावर से पंगा लेने से पहले 100 बार सोच लेना। चलता हूँ, गुड बाय, हैप्पी डांसिंग। हे बनी, पिज्जा कैसा लगा? काफी मेहनत से बनाया है। पिज्जा तो बहुत अच्छा था, थैंक यू आशिंग कमिंग। खाते रहो फिर। क्या मैंने आशिंग कमिंग बोला? अब इस एक्टिवा को बदलने का टाइम आ गया है। कोबरा बाइक पावर। वो भाग रहा है। अब मुंह क्या देख ले हो, जल्दी चलो। कोबरा भाग गया? नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। बताओ तुम क्या बात कर रहे हो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी बात। अरे देखो बॉस का फोन आया यार, रुको छुपा दो। हेलो बॉस का, अरे क्या हुआ, कोबरा भाग गया? अरे भाई भैंस बंद करो, कोबरा भाग गया। अरे नहीं, ये क्या? हम भी मार सकते हैं, कहाँ भागेंगे बच्चे हमसे? ए चिंकनाटी, ए पायरे, ए रुको।
रुक जा। Cobra Beam. Yellow. Yellow. कब तक बचेगा तू कोबरा? हे, मैं तुझे छुड़वा नहीं। बाप रे, नहीं। तुम कौन हो? पावर स्टोर के भाग रहे हो?